हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप फेडरल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आप किस तरह से फेडरल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप फेडरल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। वीडियो आज का ये काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के अंत जरूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अगर आप फेडरल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको बैंकिंग के सारे फैसिलिटी देखने को मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ते हैं। आपको अपना अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ आपको इंस्टेंट ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इस बैंक में आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा देखने को मिल जाती है। आप फेडरल बैंक के मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग तो यूज कर ही सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम कोई थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन यूज करें, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, तो आप उन सब का भी यूज कर सकते हैं। फेडरल बैंक में भी आपको आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी की सुविधा देखने को मिल जाती है। साथ ही इस बैंक में आपको एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक की भी सुविधा देखने को मिल जाते हैं। ये बैंक आपको दो तरह से केवाईसी कंप्लीट करने का ऑप्शन देता है। आप चाहें तो फेडरल बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के अपना फुल केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ब्रांच विजिट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने की सुविधा दिया गया है। आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपना फुल केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई माइनर है, किड्स हैं जिसका उम्र 18 साल से कम है, तो वो भी फेडरल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जो किड्स माइनर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेगा फेडरल बैंक में, तो वे जीरो बैलेंस के साथ अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उनको यहां पर कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ते हैं। साथ ही इस बैंक में आपको एसएमएस अलर्ट, एसएमएस बैंकिंग हो गया, इसके अलावा आपको ईमेल स्टेटमेंट भी देखने को मिल जाते हैं। और भी आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आप फेडरल बैंक में किस तरह से अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको फेडरल बैंक के इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहां पर देखिए, फेडरल बैंक में जितने भी तरह के सेविंग अकाउंट ओपन किए जाते हैं उन सबके बारे में आपको पूरा डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला महिला मित्रा सेविंग अकाउंट, एक है एसबी प्लस सेविंग अकाउंट, एक सेलेस्टा सेविंग अकाउंट और भी कई सारे अकाउंट के बारे में आपको यहां पर डिटेल देखने को मिल जाएंगे। आप यहां से ये सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस टाइप के अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि अगर कोई महिला है या फिर कोई किड्स है, माइनर है, तो उनके लिए ये वाली अकाउंट जो है महिला मित्रा प्लस सेविंग अकाउंट, ये वाली अकाउंट सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि किड्स के लिए यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है। अगर कोई माइनर है, वे अगर ये वाली अकाउंट ओपन करता है तो उन्हें यहाँ पर कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही सबसे अच्छी सुविधा ये है कि यहाँ पर देखिए, सबसे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट ओपनिंग का भी एक ऑप्शन है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप फेडरल बैंक में ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, हालांकि इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस टाइप के अकाउंट ओपन करना है। आपको बता दें कि अगर आप इन दोनों अकाउंट को छोड़ करके अगर इनमें से कोई भी ये सब वाली अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपको यहां पर ज्यादा बैलेंस मेंटेन करके रखने होंगे। लेकिन अगर आप ये एसबी प्लस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको कम बैलेंस मेंटेन करके रखने होंगे। आप इनमें से जो भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं सबका प्रोसेस सेम ही है। तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप किस टाइप के अकाउंट ओपन करना है। सब अकाउंट के नीचे में यहां पर देखिए एक नो मोर का और एक ओपन नो का ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप इस नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस अकाउंट में जितने भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जितने भी फैसिलिटीज दिए जाएंगे, उसके बारे में आप वहां से देख सकते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि हम अभी ये एसबी प्लस सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं तो यहां पर देखिए नीचे में आपको दो ऑप्शन मिलेगा। अगर हम नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एसबी प्लस सेविंग अकाउंट में हमें जितने भी फैसिलिटीज दिए जाएंगे उनके बारे में दिखाया जाएगा। और अगर हम ओपन नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम एसबी प्लस सेविंग अकाउंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए हम यहाँ पर ओपन नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप अकाउंट ओपनिंग पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर फिल करना होगा अपना कंट्री कोड के साथ। जो भी मोबाइल नंबर आप फेडरल बैंक के साथ लिंक करना चाहते हैं आप अपना मोबाइल नंबर यहां पर फिल करेंगे। यहां पर आपको एक कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आप यहां पर फिल करेंगे। और यहां पर फेडरल बैंक के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जैसे कि आप
कोई पॉलिटिसिटी एक्सपोज्ड पर्सन नहीं है, आप यहाँ पर टिक लगाकर इसको एक्सेप्ट करेंगे, और आप इंडिया के रहने वाले हैं आप इसको भी यहाँ पर टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर में आपको फेडरल बैंक की तरफ से एक OTP सेंड किया जाएगा, आप अपना OTP यहां पर फिल करके यहां से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर फेडरल बैंक के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, आप यहां पर इसको टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे और फिर इसके बाद यहां से कंटिन्यू। इसके बाद यहां पर आपको कुछ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जो भी आपका आधार कार्ड के नंबर होगा आप अपने आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, और यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड के नंबर फिल करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड जो भी मोबाइल नंबर के साथ लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड सेंड किया जाएगा, आप अपना OTP कोड यहां पर फिल करेंगे। अगर OTP किसी कारण से नहीं जाता है तो आप इसको यहां से रिसेंड भी कर सकते हैं। यहां पर आपको एक कैप्चा कोड दिया जाएगा, इस कैप्चा कोड को आप यहां पर फिल करेंगे और फिर इसके बाद यहां से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका KYC वेरिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपके आधार कार्ड से आपका पूरा डिटेल यहाँ पर ले लिया जाता है, जो भी आपका नेम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपका यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपका प्रोफाइल फोटो भी ले लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक कंटिन्यू वाले ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल फिल करने होंगे, जैसे कि जो भी आपका ईमेल आईडी होगा आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे, फादर के नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे और मदर्स नेम यहाँ पर। यहाँ से आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं आप। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कुछ एड्रेस फिल करने होंगे, जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वे आप यहां पर फिल करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आप यहां पर सेम एज आधार एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस नहीं है तो आप इसको अनटिक करेंगे, और जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वे आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि एड्रेस लाइन 1 और 2 यहाँ पर। स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सिटी यहाँ से, और जो भी आपका पिन कोड होगा आप अपना पिन कोड यहाँ पर फिल करेंगे। तो हमारा जो भी आधार एड्रेस है वही हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस भी है, हम यहाँ पर इसको टिक लगाते हैं और फिर इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर टिक लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर आप नॉमिनी के डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि जो भी नॉमिनी का नेम होगा आप नॉमिनी के नेम यहाँ पर फिल करेंगे, नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उनका एज आप यहाँ पर फिल करेंगे, और फिर नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और फिर नॉमिनी के साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है वे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर अनटिक करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स लिए जाएंगे, जैसे कि जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप होगा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आप क्या काम करते हैं। इसके बाद जो भी एम्प्लॉयर हैं उनका नेम आप यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद जो भी आपका मंथली इनकम होगा वे आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, आप यहां पर क्लिक करेंगे, और जो भी आपका मंथली इनकम है वे आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे यहां पर पूछा जाता है कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं, आप यहां पर क्लिक करेंगे, और फिर आप जितने साल से काम करते हैं वे आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहां पर आपको कुछ क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी होगी, आप यहां पर क्लिक करेंगे, और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आप कितने तक पढ़े हुए हैं। नीचे में आपको अपना अकाउंट डिटेल फिल करना होगा, यहाँ से आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करना है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और आपके सिटी के अंदर जितना भी फेडरल बैंक का ब्रांच होगा वे सारे ब्रांच के नेम यहां पर आ जाएंगे, आपको अपना ब्रांच यहां से सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई भी रेफरल कोड है तो आप यहां पर रेफरल कोड फिल करेंगे, हालांकि ये ऑप्शनल है, आप इसको ऐसे भी खाली छोड़ सकते हैं। यहां पर आपको फेडरल बैंक के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगे, आप इसको टिक लगा करके यहां से एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे। फाइनली आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, यहां पर आपका पूरा डिटेल शो करेगा, जो भी आपका फोटो रहेगा वे फोटो के साथ साथ आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर शो करेगा। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डन करते हैं।
यहाँ पर देखिए जो भी आपका अकाउंट नंबर रहेगा वे अकाउंट नंबर आपका यहाँ पर शो करेगा, लेकिन आपका अकाउंट अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं, आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से फुल केवाईसी करनी होगी, तभी जाकर के आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर देखिए स्टार्ट वीडियो केवाईसी प्रोसेस का जो ये ऑप्शन है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि वीडियो केवाईसी करते समय आपको किन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप लाइटिंग वाले जगह पर रहेंगे जहाँ पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। साथ ही आप जो भी मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप से अपना वीडियो केवाईसी कर रहे हैं उसमें अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और जो भी आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होगा वे पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए स्टार्ट कॉल का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप फेडरल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपना वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जब केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो भी आपका अकाउंट नंबर होता है, IFSC कोड होता है, CRN नंबर, कस्टमर ID वगैरह, वे सारी चीज़ें आपको ईमेल पर में प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा जो भी आपके पासबुक होते हैं, चेकबुक होता है, साथ ही जो भी आपका ATM कार्ड होते हैं वे आपके एड्रेस पर में बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। 1 वीक या फिर 2 वीक के अंदर में आपके एड्रेस पर में फेडरल बैंक का वेलकम किट पहुंच जाते हैं। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाते हैं तो आप फेडरल बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। फेडरल बैंक का एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ही देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी कारण से आपके सवाल के जवाब हम कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाए, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपके सवाल के जवाब एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँच जाएंगे। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।